दो तीन दिनों से लगातार राजस्थान के अधिकांश भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आज 7 मई को दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा 8, 9 और 10 मई को भी जोधपुर, बीकानेर, इसके अलावा जयपुर संभाग, भरतपुर व कोटा संभाग में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होने की प्रबल संभावना है। यानी अगले 3-4 दिनों तक राजस्थान में कहीं कहीं हीट वेव, लू चलने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा दिनांक 10-11 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के कुछ भागों में सक्रिय होने से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट 11 मई से होने की संभावना है। यानी कि फिलहाल जो हीट वेव की परिस्थिति राजस्थान में बनी है, ये अभी 3-4 दिनों तक जारी रहेगी। इसके बाद 11 मई से आंधी बारिश की गतिविधियां होने से तापमान में गिरावट होने की संभावना है। इसके साथ ही जो नया पश्चिमी विक्षोभ 10-11 मई को सक्रिय होगा, इसके असर से राजस्थान के कई इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां होने की प्रबल संभावना है। आंधी बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कुछ इलाकों में 10 मई से 12-13 मई तक जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर अगले 3-4 दिनों के दौरान जो है वो तापमान में गिरावट रहेगी।